वहीं एक और अहम अपडेट दे दें आपको। अब मदरसा बोर्ड कराएगा टीईटी इम्तिहान, मदरसा टेट कराएगा बोर्ड। यूपी टेट की तर्ज पर अब मदरसा टेट इम्तिहान होंगे। खाली ओहदों पर दाखिल नहीं कर पाएंगे मदरसा इंतजामिया के लोग, भर्ती करने के लिए अब एमटेट इम्तिहान देना होगा। तो यह अहम अपडेट आपको दे रहे हैं। अब यूपी टेट की तर्ज पर मदरसा बोर्ड टेट इम्तिहान मुनक्किद कराएगा। मदरसा टेट इम्तिहान इसे नाम दिया गया। यूपी टेट की तर्ज पर ही एमटेट के इम्तिहान होंगे और अब मदारिस में खाली पड़े ओहदों पर उन्हीं लोगों को रखा जाएगा जो एमटेट का एग्जाम क्लियर करेंगे। तो ये बड़ी खबर मानी जा रही है मदारिस एजुकेशन के हवाले से। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, यूपी के हवाले से अहम अपडेट है। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अहमर हुसैन बराह रास्त मौजूद है इस खबर पर। अहमर का रुख करेंगे मजीद मालूमात के लिए। अहमर, ये अहम फैसला लिया गया है मदरसा इंतजामिया की जानिब से, अब यूपी टेट की तर्ज पर एमटेट एग्जाम कराए जाएंगे, मदरसा टेट के एग्जाम कराए जाएंगे, उसी की बुनियाद पर तकरीरी करने का भी फैसला लिया गया है। तफसील से इस खबर के बारे में बताइए अहमर। देखिए, तकरीबन बोर्ड में एक मीटिंग हुई थी, इनमें कई अहम फैसले किए गए थे अहमर आपको रोक रहे चंद लम्हों के लिए। ये हम तफसील से खबर बता दें अपने नाजरीन को, मदरसा बोर्ड ने फैसला लिया है कि यूपी टेट की तर्ज पर ही अब मदरसा टेट के भी इम्तिहान मुनक्किद कराए जाएंगे और उसी की बुनियाद पर मदारिस में खाली पड़े ओहदों को फुलफिल किया जाएगा। यहाँ पर टीचर्स की भर्ती की जाएगी, टीचर्स की तकर्री की जाएगी। तो यूपी के हवाले से आपको ये अहम अपडेट दे रहे हैं। यूपी में अब मदरसा इंतजामिया की जानिब से मदरसा टेट एग्जामिनेशन मुनक्किद कराए जाने का फैसला लिया गया है। मदरसा बोर्ड की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि अब एमटेट एग्जाम मुनक्किद कराए जाएंगे।